हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल कुंदन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या सीखेंगे या पढ़ेंगे डीएनए तथा आरएनए के बारे में, या हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या होता है या आरएनए क्या होता है, या ये भी हम लोग सीखेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डीएनए और जो आरएनए है ये पाया जाता है कहाँ, न्यूक्लिक एसिड, ये होता है न्यूक्लिक एसिड है। जैसे डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के, हमारे सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे ये मान लीजिए क्या हो गया, एक सेल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसी में ये डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखिए न्यूक्लियस में क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम में क्या हो गया, डीएनए हो गया, और डीएनए में क्या हो गया, जीन हो गया। तो एक प्रकार से ये सीक्वेंस चलते रहता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है, सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं क्रोमोसोम में ही पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम में ही पाया जाता है। देखिए जीन, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि डीएनए के क्रियात्मक खंड क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, यानी कि डीएनए के एक छोटा सा पार्ट को हम लोग ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग जीन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे आरएनए के बारे में। तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर होगा आपको इधर बताते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे, यानी कि एक कुंडली जैसे होगा, कुंडली कैसे होगा, यानी कि डबल स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए डीएनए को सबसे पहले कार्ल बर्क्स ने देखा था। डीएनए के जो है, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, कार्ल बर्क्स ने देखा था। डीएनए को सबसे पहले कार्ल बर्क्स ने देखा था, लेकिन डीएनए का जो इन्वेंट किया वो कौन किया, वाटसन और क्रिक ने किया था। यानी कि डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। देखिए डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। ठीक है, पर डीएनए की एक टर्म की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए की एक टर्म में, डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। देखिए हम इसको आपको बताएंगे फिर इसी में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आपको आगे फिर बताएंगे, एक एक टर्म को बताएंगे। कह रहे थे कि एडिनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे एडिनिन जो है, यानी कि डीएनए में एडिनिन तथा थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ग्वानिन तथा साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्वानिन हो गया तथा साइटोसिन क्या हो गया, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर से डीएनए के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो एक लाइन को समझाने की फिर से हम लोग कोशिश करते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखते हैं हम इसके पहले हम तुम लोग को बताए थे। ठीक है, इसके अंतर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए होता है न्यूक्लियोसाइड से बना होता है और फास्फेट से बना होता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है जो दिख रहा है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड से। और देखो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, दो पार्ट होता है, शुगर आ गया और नाइट्रोजन बेस आ जाता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए के पास शुगर भी होता है और ये नाइट्रोजन बेस भी होता है। देखो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे जो देखो, ये अंदर वाला जो है नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन बेस को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन में। ठीक है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, प्यूरिन होता है और पिरामिडिन होता है। प्यूरिन में भी एडिनिन और ग्वानिन होता है, जो अभी तुम लोग इसके पहले बताया हुआ है, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है। ठीक है, तो प्यूरिन एडिनिन और ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन। देखो अभी तुम लोग को बताया यहाँ पे, देखो कि एडिनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ।
और जो गुआनिन है साइटोसिन के साथ, देखो गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। और ये भी बताया था कि एक टर्म के डीएनए के एक टर्म के जो दूरी होता है ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है इसके बीच की दूरी। और ये इसमें एक टर्म में लगभग लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे इस तरह बनाया गया है। ठीक है, देखो डीएनए क्या करता है ना, डीएनए हमारे सेल में क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्या करता है ये जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशन देता है, या ये भी कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के तरह ये काम करता है। ठीक है, जैसे यही बताता है कि जैसे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 5 उंगली तो 5 उंगली बनाना है। जैसे देखो यही अगर कम हो जाता है, जैसे हाँ अगर हुमेन की बात करें, हुमेन की, तो हुमेन में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं। कितने, 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और इसके पहले हम अभी तुम लोग को बताया कि क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए होता है। अगर क्रोमोजोम में गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, देखिएगा बच्चा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम के चलते होता है। तो क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे क्या करना है। उसी प्रकार ह्यूमन सेल में क्या होता है, 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है, यानी कि 46 क्या हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम हो जाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन में कितने, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और क्रोमोजोम में डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अब चलते हैं आरएनए पे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं या मिटा देते हैं, उसके बाद से आरएनए पे चलते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग आरएनए अब देखते हैं। ठीक है, तो आरएनए जो है, देखो आरएनए इसके पहले हम लोग क्या किसका डिस्कस किए हैं, डीएनए के बारे में। तो आरएनए तुमको बताया कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। देखो इसकी जो संरचना होती है सिंगल स्ट्रैंडेड होगी, क्या होगी, इसकी जो संरचना होगी सिंगल स्ट्रैंडेड होगी, मतलब केवल एक कुंडलित होगा। ठीक है, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। जैसे आप जो हम लोग डीएनए में पढ़े थे उसमें जो शुगर पाया जाता था उसमें क्या होता था, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, राइबोज शुगर पाया जाएगा। देखो डीएनए में हम क्या बोले कि नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, एडेनिन होता था, ग्वानिन होता था, लेकिन वहां थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, स्थान पर हम लोग यूरासिल कर देंगे। ठीक है, साइटोसिन की जगह क्या कर देंगे, थायमिन होगा, लेकिन वह साइटोसिन की जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यूरासिल कर देंगे। सिंपल एक ही वही अंतर है। ठीक है, अब देखो आरएनए का भी 3 पार्ट होता है। ये जैसे आरएनए क्या है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। मेन काम जो होता है आरएनए का वो क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करने का। ठीक है, आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या हो जाएगा कि एमिनो एसिड को एक क्रम में सजाएगा, यानी कि एमिनो एसिड को पहचानेगा, रिकॉग्निशन करेगा और उसको क्रम में सजाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। फिर टीआरएनए जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ये क्या करता है कि एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है, कहां तक ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है, कहां तक, राइबोसोम तक ले जाता है। फिर आरआरएनए का क्या होता है कि राइबोसोम यानी कि आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइबोसोम आरएनए। और ये देखो राइबोसोम आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, तो देखो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं आरएनए और डीएनए में अंतर। ठीक है, तो तुम लोग एक अच्छा तरीका से इसको नोट्स बना लो। ठीक है, और याद कर लो। अब फिर से हम तुम लोग को थोड़ा कुछ एडिशनल पॉइंट बताएंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा एडिशनल हम पॉइंट तुम लोग को बताएंगे। जैसे देखता कि डीएनए से ये क्या है कि डीएनए से अगर आरएनए बनता है, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है, यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट करें कि आरएनए अगर आरएनए से पुनः क्या बन जाए, डीएनए बन जाए।
डीएनए बनता है, बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, यानी कि उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक और बस करके, आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है, आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अगर आरएनए से पुनः क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। और डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, अगर डीएनए से डीएनए ही बन रहा है तो उसे रिप्लिकेशन बोलेंगे। रिप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छे तरीके से एक बार इसको समझो। कह रहा है कि देखो आरएनए से अगर मान लो कि डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उस शब्द को, उस टर्म को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और फिर आरएनए से हम लोग पुनः क्या कर रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से अगर प्रोटीन बना रहे हैं तो ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। डीएनए से और डीएनए बना रहा है तो उसको रिप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज क्या डिस्कस किए? आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगा, और तुमको अच्छा मेरा वीडियो लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, और बेस्ट ऑफ लक।